नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पूर्वी मैदान या ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे। यह मैदान राजस्थान के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। इस भाग की पश्चिमी सीमाएं जो अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा बनाई जाती हैं और इस मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पहाड़ द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो इस मैदान को तीन उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और 56 का मैदान या मध्य माही बेसिन में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले है चंबल बेसिन। राज्य में चंबल घाटी की स्थलाकृति है जो पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इसकी संपूर्ण जो घाटी है चंबल बेसिन की, जिसमें नवीन काप मिट्टी पाई जाती है, इसमें बाढ़ के मैदान है, नदी कगार है, बियड़ है, अंतःसरिता जैसी कई स्थलाकृतियाँ यहाँ देखने को मिलती है। अब ये भाग जो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में जो बीहड़ है, जो कुल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ लगभग इन बीहड़ों से, वो 4500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और इसी बाग में सबसे जो महत्वपूर्ण बीहड़ पट्टी है, जो 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से बारा तक फैली हुई है। अब इसमें बीहड़ों और यमुना नदी के बीच का जो भाग है, यह चंबल और कुमारी नदी के बीच का जो भाग है, वो कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र ये कहा जाता है यहाँ पर। दूसरा है बनास बेसिन। बनास बेसिन मुख्य रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित मैदान है, जो दक्षिण भाग में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में मालपुरा जो करौली का मैदान कहलाता है। इसमें मेवाड़ मैदान, बनास नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे खारी, सोड्रा, मौसी और मोरल जो बाएं किनारे पर बहती हैं, और बेड़च, बाजरियान, गोलवा जो दाहिने किनारे पर मिलती हैं। यह भाग जो इस भाग का ढाल है, धीरे धीरे उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर कम हो जाता है और इसकी औसत ऊंचाई है वो 280 मीटर से 500 मीटर के बीच पाई जाती हैं। इसके कुछ उच्च भूभाग हैं इस भाग में जो टीले नुमा आकृति के दिखाई देते हैं, जिसके कारण इस मैदानी भाग में से पिडमोंट मैदान भी कहा जा सकता है या कहते हैं। और जो क्षेत्र की जो स्थलाकृतियां हैं वो अपरदित आकृतियों के रूप में फैली हुई है, और इसके नीचे जो मालपुरा और करौली मैदान है, जो निसोच्छिष्ट से निर्मित भूभाग है, और मालपुरा और करौली मैदान की औसत ऊंचाई है वो जो 280 से 400 मीटर के बीच पाई जाती है। तीसरा है मध्य माही बेसिन या 56 का मैदान या बांगड़ क्षेत्र। यह जो मैदान है, जिसके जो मुख्य रूप से उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिण भाग में फैला हुआ है, जो माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित भूभाग है। इस भाग की औसत ऊंचाई है 200 मीटर से 400 मीटर के बीच में है। ये भाग जो है दक्षिण का क्षेत्र है, जो इस भाग के दक्षिण में जो काफी गहरा और कटाफटा क्षेत्र है, और इस कटे फटे या विच्छेदित मैदान को, पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में या बांगड़ के नाम से जाना जाता है। बांगड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग तथा जो कटाफटा या विच्छेदित भूभाग है, मैदान है, उसको सम्मिलित किया जाता है। अब प्रतापगढ़
और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित हैं, इसलिए ये भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है।